मैंने काफ़ी बार ट्राई किया था जो फोल्डर इनलार्ज का फीचर है ना, जो आपको रियलमी के कुछ डिवाइस में देखने को मिल रहा है। इसको मैंने रियलमी C55 में इनेबल करने का ट्राई किया था, एंड मोस्ट ऑफ द डिवाइस में आपने ट्राई किया होगा, बट ये वर्क ही नहीं कर रहा था। अब देखो अच्छे से वर्क कर रहा है मेरे डिवाइस में, ये है रियलमी की C55 डिवाइस, एंड इसमें ना ये अच्छे से वर्क कर रहा है यार। काफ़ी सिंपल से स्टेप होते हैं, अल्टीमेटली ये जो है ना एक सिस्टम लॉन्चर का सीन होता है। मैंने काफ़ी सिस्टम लॉन्चर ट्राई किए थे, बट स्टिल ये इस डिवाइस में तो वर्क नहीं कर रहा था, या फिर मेथड ही गलत। अब एक हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि कौन सा एग्जैक्टली सिस्टम लॉन्चर हमें इंस्टॉल करना है, थैंक्स टू हिम। तो सबसे पहले तो आप एक बार देख लो ये किस टाइप से वर्क कर रहा है। होम स्क्रीन पर देख ही सकते हो आप, जो नॉर्मल फोल्डर होता है ना उसको अगर आप टैप एंड होल्ड करते हो ना, तो उसके बाद में इनलार्ज फोल्डर का एक एडिशनल ऑप्शन आ जाता है, जिसको यूज़ करने के बाद कुछ इसी टाइप का फोल्डर आपके सामने क्रिएट हो जाता है, जो कि लार्ज साइज का होता है। एंड ये जो सभी आइकॉन्स है ना वो इजिली एक्सेसिबल होते हैं, उनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप ये है कि आपको लॉन्चर को डाउनलोड करना है, उसको नॉर्मली इंस्टॉल करना है। अब डाउनलोड आपको किस तरीके से करना है, सो आप क्या करो, कोई भी एक डिवाइस में ब्राउजर ओपन करो और वहाँ पर सर्च करो रियलमी फोल्डर इनलार्ज इनेबल। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये आपको सर्च करने के बाद ना सिंपली उसको टैप कर देना है, नीचे स्क्रॉल करो। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद ना आपको यहाँ पर एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर आपको जाना है एंड इस लॉन्चर को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। देखो ये वाली वेबसाइट है, इस पर टैप करो, इस वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ से इस लॉन्चर को डाउनलोड कर लो। अब वहाँ पर मैंने सब डिटेल में बताया, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली इनेबल कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ना सिंपली इसको इंस्टॉल करो। इस लॉन्चर को इंस्टॉल करने के बाद होम स्क्रीन पर जो फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा उस पर टैप एंड होल्ड करके रखो, यहीं पर आपको फोल्डर इनलार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बस यार हो गया आपका काम, ये जो फीचर है ना आपके डिवाइस में इनेबल हो चुका है, अब आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अब ये मैंने ट्राई किया रियलमी के C55 डिवाइस में, आपके किसी भी डिवाइस में ट्राई कर सकते हो, एंड ये अच्छे से वर्क कर देता है, कोई इशू नहीं। एक इशू था जो था लॉन्चर का ही, वो अब तो सॉल्व हो ही चुका है, कौन सा लॉन्चर यूज करना ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब जाके टेस्ट करो आपके डिवाइस में, अगर ये वर्क करता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।